नमस्ते, मेरा नाम पंकज है और मैं पाली ज़िले में फंस गया था। वहाँ से जैसे जैसे हमको खबर मिली कि शिवराज चौहान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे लिए सुविधा कर रहे हैं, हमको यहाँ लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और हमको यहाँ MP लेके आए हैं। रास्ते में हमको खाना पीना वगैरह सब दिया, हर तरीके की हमको सुविधा की दी है और हमको यहाँ लेके आए। हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और उनको बहुत सम्मति करते हैं। मेरा नाम सोनाली है। हम लोग चित्तौड़ ज़िले में निम्बाड़ा में फंसे हुए थे। हम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, सरकार ने हमारी बहुत मदद की है उसमें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत धन्यवाद करूंगी, हमें बहुत अच्छी सुविधा दी, खाने की व्यवस्था की, बच्चों को सही सलामत हमारे घर पहुंचाया। तो बहुत सारे हैं जो यहाँ इंदौर में भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि बाहर प्रदेशों में छोड़ा जाना है। कुछ UP के भी हैं, राजस्थान के हैं, गुजरात के हैं और वहाँ से भी जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं उनको लाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने कई सारी वाहनों की व्यवस्था की जा रही है, जिसके माध्यम से जो हमारे यहाँ फंसे हुए हैं उनको उस राज्य में पहुँचाया जाएगा और दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ लाया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने जो है दूसरे राज्यों में जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं उन लोगों को लाने के लिए व्यवस्था की है। तो अभी हमारे ये जो 38 लोग जो आए हैं मजदूर, वो राजस्थान में निम्बाहेड़ा वगैरह और उस तरफ काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के पहले गए हुए थे और वो नहीं आ पा रहे थे, तो उनके लिए बस भेजी गई थी। उस बस से ये लोग आज यहाँ पर आए हैं इंदौर में। अब इंदौर में जो डिफरेंट जगह जो है वो जाएंगे जहाँ उनके निवास स्थान है। यहाँ हम लोग अभी हमारे डॉक्टर्स की टीम है वो इनका स्क्रीनिंग कर रही है। इसमें से जो इन सभी लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा और जिनमें कोई सिम्टम्स होंगे तो उनको फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इनको निर्देश दिए गए हैं कि ये 14 दिन अपने घर पर ही रहें, ये कहीं यहाँ वहाँ ना जाएं, ना कोई लोग इनके यहाँ आए, ना ये लोग बाहर जाएं। बाकी इन लोगों के लिए यहाँ हम लोगों ने उनको घर पहुँचाने की व्यवस्था की हुई है। उनको मास्क वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको खाने के लिए भी व्यवस्था की हुई है। तो उनको अच्छे से मतलब मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार अपने घर वापस लाए जाने की कार्रवाई की गई। सर कितने परिवार